Hey guys, what's going on? Welcome back to the new video. Mera naam hai Arpit and aaj hum dekhne wale hain some of the best questions of dimensions. Guys, aaj jo main question leke aaya hu aapke liye, ye teen type ke main maine questions select kare hain aur mera bharosa hai ki agar apan is type ki ye teen type ke question hum solve kar lete hain to jo maximum questions bante hain aapke JEE ke liye aur aapke NEET ke liye wo aap easily solve kar payenge. Ye teen questions hain, teeno ke alag alag type hai na guys, to teeno se hame teen ya char type ke concept hum aaj clear karenge. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर इक्वल्स टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है डेटा जहाँ पे जो ए है और बी है ये कॉन्स्टेंट्स है, पी प्रेशर है, टी टाइम है और एक्स है डिस्टेंस. ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए बाई बी का डायमेंशन क्या होगा और ये चार ऑप्शन गिवन है. तो गाइस, आपको अगर याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि दो सेम टाइप की चीज़ें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, है ना. जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर आपके पास दो बनाना है, चार ऑरेंज है और तीन और बनाना है, तो नेट आपके पास क्या है, आप बोलेंगे मेरे पास पाँच बनाना है एंड चार ऑरेंजेस हैं. रीज़न क्या था, आपने दो बनाना और तीन बनाना को जोड़ दिया और ऑरेंजेस को रहने दिया, क्योंकि बनाना बनाना सेम टाइप की क्वांटिटी है जो ऐड अप हो गई. कई सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है. कैसे, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमको फाइंड करना है ए बाय बी का डायमेंशन. तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं फिर बी का निकालते हैं, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूँ, उस क्वान्टिटी को ध्यान से देखूँ, तो मुझे पता पड़ेगा कि अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मतलब ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी से होना चाहिए, तो जो ए का डायमेंशन होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर के बराबर गाइस, है ना. तो ऑटोमेटिक मुझे ए का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, टी इज टाइम. तो टाइम को हम कैसे नोट करते हैं, टी से, और क्योंकि टाइम का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टाइम टू. तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ ए. तो गाइस, फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का हो गया है. अब नेक्स्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ बी निकालना पड़ेगा. तो अब देखते हैं बी, यहाँ पे बी है, तो अब बी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है डिस्टेंस के साथ, तो यहाँ से तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे. तो लेकिन ओवरऑल जो हमको गिवन है कि ये पूरी चीज़ जो है ये क्या है, प्रेशर के बराबर है. तो जो हमारा सेकेंड रूल है डायमेंशन एनालिसिस का, वो क्या है गाइस, वो है कि जो LHS का डायमेंशन होता है वही RHS का डायमेंशन भी होता है. मतलब जो डायमेंशन ओवरऑल इस चीज़ का आएगा वही इस चीज़ का भी आएगा. तो हम डायमेंशन को इक्वेट कर देते हैं. कैसे करेंगे देखते हैं. यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन हम लिख सकते हैं गाइस, क्या होता है प्रेशर होता है, या फिर अभी थोड़ी देर के लिए इसको प्रेशर ही लिखता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्रेशर इक्वल्स टू, अभी जो ऊपर वाली चीज़ है ये तो क्या होगा, टी स्क्वायर ही होगा, है ना, बस टाइम है. तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ टी स्क्वायर. ठीक है, अपॉन बी एक्स. तो एक्स का डिस्टेंस, एक्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एक्स क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस. तो यहाँ लिख देता हूँ एक्स की जगह एल, तो हो जाएगा बी एल, है ना गाइस. और यहाँ पे क्या है, प्रेशर. प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया है इस प्रेशर. ठीक है, और फर्दर इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, फर्दर इसको भी ब्रेक कर लेता हूँ. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है, यहाँ साइड में आपको करके बता देता हूँ, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू. ये कैसे आया, फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं गाइस, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास का डायमेंशन हो जाएगा एम, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का एल, पर सेकंड स्क्वायर का टी माइनस टू, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आया. तो इस डायमेंशन को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया. एरिया क्या होता है गाइस, एरिया होता है किसी भी साइड का मल्टीप्लीकेशन साइड के साथ, मतलब एल स्क्वायर, है ना. तो लेंथ इंटू विड्थ भी अगर होता है तो दोनों है तो साइड सी, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर. और यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, टी स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे बी को हम बी ही लिखेंगे और ये एल लिख देते हैं. अब गाइस कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एल से ये एल कट रहा है, यहाँ पे टी से कुछ कट रहा है नहीं, यहाँ कुछ नहीं कट रहा है. तो हम बी के लिए सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल हम बी को ऊपर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा. तो बी यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा बी इक्वल्स टू, बी ऊपर गया है और ये एल ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बेगा टी स्क्वायर एल अपॉन, ये चीज़ क्या बची यहाँ पे, एम एल टी माइनस टू. तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी एम एल टी माइनस टू. इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एल और एल भी क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये एल से एल भी कैंसिल आउट हो गया. तो ओवरऑल नेट जो डायमेंशन मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा, बी का डायमेंशन जो बचेगा वो बचेगा गाइस, बी इक्वल्स टू एम ऊपर जाएगा, एम
माइनस वन हो जाएगा, और क्या बचा, टी टू है और टी टू और ऊपर गया तो ये नेगेटिव था, तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बी टी फोर। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशन आया वो गाइस क्या आया, बीक्वल्स टू एम माइनस वन टी फोर। अब लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा। तो ए अपॉन बी को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ए का डायमेंशन क्या निकला था, टी स्क्वायर, तो यहाँ ए अपॉन बी इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर टी टू अपॉन बी का डायमेंशन क्या है, एम माइनस वन टी फोर, तो इट विल बी एम माइनस वन टी फोर। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये सब ऊपर चला जाएगा, तो डायमेंशन आएगा एम माइनस वन हो जाएगा प्लस वन, टी टू है और नीचे टी फोर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना ये टी टू से यहाँ पे ये कट के यहाँ बस टू बचेगा, तो ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, एम वन टी टू। तो गाइस इसमें से कौन सा ऑप्शन है, एम वन टी सॉरी एम वन टी टू और ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा गाइस, है ना, नीचे था ऊपर आया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम वन टी माइनस टू, तो ऑप्शन हो गया बी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ऑप्शन में जो बी का डायमेंशन निकला कई बार ये ऑप्शन में दिया होता है हम वही टिक कर देते हैं, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ए अपॉन बी का डायमेंशन, है ना। ओके जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें गिवन है इक्वेशन एस इक्वल्स टू ए वन माइनस ई टू दी पावर माइनस बी एक्स टी। तो यहाँ पे जो ये बी है ये कॉन्स्टेंट है हमारे पास, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट और टी है टाइम, टी है गाइस टाइम, ठीक है, और वन तो कांस्टेंट है ही, और एस और ए, यहाँ पे जो ए है ये एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी एक टाइप का क्या होता है गाइस, डिस्टेंस ही होता है, और एस यहाँ पे कोई वेरिएबल है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो बी है इसका डायमेंशन हमको बताना है, बी है इसका डायमेंशन हमको बताना है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो ये क्या है गाइस, ई की पावर में ई टू दी पावर माइनस बी एक्स टी, ई टू दी पावर माइनस बी एक्स टी। तो गाइस जब भी कभी ये ई क्या होता है, ई एक्चुअली कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.7 कुछ कुछ होती है लगभग, ठीक है, तो ई की पावर में क्या ओवरऑल एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर में भी हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट नंबर ही आता है, कोई वैल्यू कोई डायमेंशन कोई यूनिट वाली चीज़ नहीं आएगी, है ना। तो हम क्या मान लेते हैं ई है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर भी क्या हुई, कांस्टेंट, तो मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ उससे कि माइनस बी एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, वन, इसको मैं वन मान लेता हूँ, तो बी का डायमेंशन ऑटोमेटिक मुझे क्या मिल गया, वन अपॉन एक्स टी, और x क्या होता है, x है लेंथ, ऑलरेडी गिवन है डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा 1 अपॉन l, और टाइम का डायमेंशन होता है t, तो ओवरऑल जो मुझे बीटा का डायमेंशन या फिर b का डायमेंशन मिलेगा गाइस वो क्या होगा, l माइनस वन टी माइनस वन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, l माइनस वन टी माइनस वन, ऑप्शन ए गाइस, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। तो बस यहाँ पे आपको आपने क्या सीखा कि जो भी कभी भी कुछ अगर कॉन्स्टेंट आता है तो उसकी पावर का जो उसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है वो भी ओवरऑल एक कांस्टेंट नंबर ही फॉर्म करती है, इसलिए हमने उसको वन लेके सॉल्व कर दिया, है ना गाइस। ओके और ये माइनस साइन कोई मैटर नहीं करता, डायमेंशन में कांस्टेंट्स और माइनस का कोई रोल नहीं रहता है, उनके उनको सबको निगलेक्ट करके हम सीधा डायमेंशन पे टिक कर सकते हैं, है ना गाइस। तो ये दो क्वेश्चन हुए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हमारे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक प्लैनेट है मार्स, है ना, तो जो मार्स में रहने वाले होते हैं मार्शियंस, मार्शियंस यूज एफ ए एन टी एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग क्या यूज़ करते हैं गाइस, हम लोग यूज़ करते हैं एम एल टी, है ना, मास लेंथ एंड टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जनरली यूज होती है, बट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जहाँ पे फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया है। तो हमसे उसने पूछा है देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन द सिस्टम, ठीक है, तो इस सिस्टम में जहाँ पे एम एल टी नहीं, जहाँ पे एफ ए और टी डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल डायमेंशनल क्वांटिटीज, वहाँ पे हम लेंथ को कैसे बताएंगे, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने के ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं, मैं एक ही करके आपको दोनों बता देता हूँ। पहले जो स्टैंडर्ड मेथड है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं क्या है वो हम पहले लिख लेते हैं, वो गिवन है हमको एफ ए एन टी, एफ ए एन टी हमको गिवन है, एफ ए एन टी, है ना, और हमको गाइस किसकी डायमेंशन बतानी है, हमको बतानी है इनकी टर्म्स में लेंथ की डायमेंशन बतानी है, लेंथ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम अज्यूम कर लेते हैं f की पावर a, a की पावर b, n t टू दी पावर c, ये हमको अज्यूम कर लेना है। फिर f का डायमेंशन क्या होता है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, एम एल टी माइनस टू, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एम एल टी माइनस टू रेस टू दी पावर, इसकी पावर भी होल में क्या होगी a। ये क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एल टी माइनस टू,
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल टी माइनस टू कि इसकी पावर क्या थी, बी, तो बी लिख देता हूँ। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन तो टी ही होता है, तो ये तो ठीक है, ओके, टी के डायमेंशन सी। और ये चीज़ बराबर आनी चाहिए किसके गाइस, एल वन के, यहाँ पे एल वन है ना। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये हमारे पास डायमेंशन आ गया, अब हम इनका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से एम देखूँ तो एम क्या है, एक ही एम है, एक एम आ गया, उसकी पावर क्या है और ए है। अब अगर मैं एल पे फोकस करूँ, एल पे अगर मैं फोकस करूँ तो एक एल यहाँ है, एक एल यहाँ है, तो यहाँ पे एल की पावर क्या है, माइनस टू ए, माइनस टू ए, और यहाँ पे एल की पावर क्या है, बी, तो ये हो जाएगा प्लस बी। ठीक है गाइस, एक ये हो गया। फिर अब अगर मैं फोकस करूँ किस पे गाइस, टी पे, अगर मैं यहाँ टी पे फोकस करता हूँ, टी यहाँ है, टी यहाँ है और टी यहाँ भी है, तो यहाँ पे टी की पावर में क्या है, माइनस टू ए, टी रेस टू डी पावर माइनस टू ए, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड हो जाती है, तो टी की पावर माइनस टू बी, तो ये माइनस टू बी है ना, वो प्लस माइनस माइनस है ना गाइस, और यहाँ पे टी की पावर क्या है, सी, तो ये प्लस सी। ओवरऑल किसके बराबर होना चाहिए, एल वन के। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्वांटिटीज़ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, चाहे मैं इसको L1 लिखूँ या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, M L T, M ज़ीरो है, T ज़ीरो है और L1 है, ये भी वही चीज़ रिप्रेजेंट करता है, इनको ज़ीरो कर दिया। बस अब गाइस हमें क्या करना है, अब हमें क्वांटिटीज़ कंपेयर कर लेनी है। M की पावर में यहाँ क्या है, ज़ीरो, यहाँ क्या है, A, तो इक्वेशन क्या आई, A इक्वल्स टू ज़ीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन हम बता सकते हैं कि L की, L यहाँ क्या है, वन, और यहाँ पे क्या है, माइनस टू ए अपॉन बी, तो क्या बन गई इक्वेशन, माइनस टू ए प्लस बी इक्वल्स टू वन, ये सेकेंड इक्वेशन आई हमारे पास। थर्ड इक्वेशन पे अगर मैं फोकस करूँ, थर्ड इक्वेशन क्या है, टी की रेस टू द पावर, ये माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या है, वो जीरो, तो मैं इसको रख सकता हूँ, माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं गाइस, ए तो क्लियरली दिख रहा है, ए जीरो है ना। अब ए को उठा के हम क्या करते हैं, यहाँ डाल देते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ डालेंगे तो हमको बी इक्वल्स टू मिल जाएगा वन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू। अब ए और बी दोनों मिल गए, उसको उठा के थर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए, तो जैसे ही मैं ए जीरो डालता हूँ, बी वन डालता हूँ, तो ओवरऑल मुझे क्या मिलता है, माइनस टू प्लस सी बराबर जीरो, तो c बराबर यहाँ पे जो मुझे मिलेगा c इक्वल्स टू प्लस टू, तो ये आ गया c इक्वल्स टू टू। तो ओवरऑल मुझे a, b और c तीनों वैल्यूज़ मिल गई हैं, उनको उठा के मैं यहाँ पे a, b, c की जगह डाल सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आंसर कैसे आएगा आप देखिए, f टू दी पावर ये था, f टू दी पावर क्या है, a, तो a ज़ीरो, f ज़ीरो, अब क्या है, a, a की पावर में b था, तो b क्या है, वन, तो ये आ गया वन, लास्ट में था t, तो t की पावर में था c, और c है टू, तो ये आ गया टी, यही चीज़ होगी एल वन का डायमेंशन। तो गाइस हमारे पास आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया एफ ज़ीरो ए वन टी टू। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारे को ऐसा, यहाँ पे F, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एफ ज़ीरो है तो इसको ना भी लिखें तो भी ए वन टी टू है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। तो आई होप आपको ये वाली मेथड समझ में आई होगी। हम इसमें क्या करते हैं गाइस, जो भी क्वांटिटी हमें गिवन होती है, एफ ए टी, जो भी फंडामेंटल मानी है, उसकी पावर में कुछ अज्यूम कर लेते हैं, उस क्वांटिटी को हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज एम एल टी में तोड़ लेते हैं, पावर को एज इट इज़ रहने देते हैं, और जिसको लिखना है, जिसका डायमेंशन निकालना है, उसको राइट साइड में लिख देते हैं। फिर हम उसकी एक्सपोनेंशियल पावर ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एम एल टी के रिस्पेक्टिवली उसको तोड़ देते हैं और पावर्स को कॉमन ले लेते हैं, उन कॉमन निकली पावर्स को हम जो निकालना है उसके डायमेंशन की पावर से कंपेयर कर लेते हैं, हमें वेरिएबल ए बी सी की वैल्यू मिलती है, इसको हम पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो एक मेथड तो ये हो गई गाइस, इसको आप हर टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप कह लीजिए, ट्रिक तो नहीं है, बस दूसरी एक डायरेक्ट मेथड भी होती है इसको करने की, मैं आपको वो बताता हूँ। ओके गाइस, तो जो सेकंड मेथड है हमारे पास, यहाँ पे सेकंड मेथड है हमारे पास, जो इसकी सेकंड मेथड, इसमें गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, हमें ऑलरेडी गिवन है कि एफ ए एन टी, और हमको जो डायमेंशन चाहिए, जो हमको डायमेंशन डराइव करना है, वो एल का करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ देता हूँ, फोर्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन, फोर्स क्या होता है एक्चुअली गाइज, मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को भी मैं फर्दर तोड़ सकता हूँ, किस में, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ बस, तो यहाँ पे f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइस, ए तो a ही है, तो f इक्वल्स टू m इंटू
मीटर का डायमेंशन लेंथ हो जाएगा अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आ गया मेरे पास ये चीज़। तो ओवरऑल मुझे डायमेंशन किसका चाहिए था, लेंथ का चाहिए था। तो लेंथ के डायमेंशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा एफ़ इंटू एस स्क्वायर इक्वल्स टू एम एल, है ना। अब यहाँ पे क्या है, एम मास है, एम मास है। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो मुझे ए के डायमेंशन को मैंने क्या माना है उस सिस्टम में, उसमें माना है कैपिटल ए, और एफ़ को तो एफ ही माना है। तो गाइस एम का डायमेंशन अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो एम का डायमेंशन मेरे को क्या मिलेगा, एम का डायमेंशन मिल जाएगा एफ़ अपॉन ए, एफ़ अपॉन ए। तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ़ इंटू सेकेंड्स का डायमेंशन तो टाइम ही माना गया है उसमें, ये टी ही माना है डायमेंशन को। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ़ इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू मास का डायमेंशन एफ़ बाई ए, एफ़ बाई ए इंटू एल। एल का तो निकालना है तो इसको एल ही रख देते हैं, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एफ़ से एफ़ कैंसिल आउट होता है, ए ऊपर चला जाएगा, तो ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू एल। तो यहाँ से भी हमें जो ऑप्शन मिलता है वो डायरेक्टली डी ऑप्शन मिल जाता है, ए टी स्क्वायर। तो आप चाहें तो ये वाली मेथड लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको बस बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तोड़ लीजिए तो भी आप आंसर ला सकते हैं। ये वाली मेथड ऐसा है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अप्लाई करनी है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है। बट आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो फर्दर आपको ये मेथड भी ईजी लगने लगती है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इनमें से कोई सी भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये तीन टाइप के प्रॉब्लम्स थे जिनमें आपको डायमेंशंस के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जस्ट गिव्स अ थम्स अप, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनको डायमेंशन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। अगर कोई डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए और कई सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कई सारे क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।